Hello everybody, welcome to our today's live revision race, and today's topic is life in the deserts from class 7 geography. So I hope ki aapne ye chapter pad liya hoga. So today we are going to revise this chapter. So let's see what all is there in the chapter. Okay so let's see who all are here and then we will start. ओके सो हेलो संदीप, हेलो सचिन, योगिता, अविका, मेहर, श्रद्धा. आई एम जस्ट प्लेइंग दिस क्विज, आई एम नॉट इन ग्रेड 6. कैन आई प्ले? येस ऑफ कोर्स. एंड दिस इज फॉर क्लास 7 श्रद्धा, दिस इज नॉट फॉर क्लास 6. ओके सो दिस चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स इज इन क्लास 7, राइट? सो यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्ले एनी क्विज. ओके, यू कैन इवन प्ले क्लास 10th क्विज. सो इट्स ऑल योर चॉइस, राइट? ओके सो डेजर्ट, अगर हम वर्ड बोलें डेजर्ट, ठीक है, तो डेजर्ट से हमें क्या क्या लगता है कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत सारी सैंड होगी और बहुत, मतलब बहुत रेयरली हमें कोई वेजिटेशन देखने को मिलेगी, राइट? हेलो संगीता, हेलो ओके सचिन एंड श्रद्धा. ओके तो ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर बहुत कम क्या होंगे, बहुत कम प्लांट्स दिखाई देंगे, लोग भी बहुत कम कम से दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम वैसी ही जगह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट द लाइफ इन डेजर्ट्स, कि डेजर्ट्स में अगर लोग रहते हैं या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, और कैसी सी जगह होती, कौन अलग अलग तरह के क्या डेजर्ट्स हैं वहाँ पर, क्लाइमेट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि डेजर्ट्स क्या हैं, कैसे उनकी उन कंडीशंस में लोग, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लोग वहाँ पर रहते हैं. ओके, यू आर मुस्कान. ओके मुस्कान, हेलो मुस्कान. ओके सो व्हाट आर डेजर्ट्स? सो डेजर्ट्स आर बेसिकली द एरिड रीजन्स. एंड व्हाट डज दिस वर्ड एरिड मीन्स? सो एरिड वर्ड मीन्स अ प्लेस वेयर देयर इज वेरी लेस वाटर, ठीक है? इतना कम पानी है कि वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता है, प्रॉपर वेजिटेशन नहीं होती है उस जगह पे, पॉपुलेशन भी कम होती है, एनिमल्स भी कम ही होते हैं, बहुत कम तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. सो दोज, सो डेजर्ट्स आर बेसिकली दोज एरिड रीजन्स, आई मीन द रीजन्स विच हैव वेरी लेस वाटर, एंड दे हैव आइदर वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होते हैं, और वहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है, ठीक है? सो इफ समबडी आस्क्स यू what is a desert, so what you will say, a desert is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and very scarce, and I mean very nahi, but has scarce vegetation. Scarce means bahut kam, bahut chhot, bahut like amount mein bahut kam, bahut chhota, theek hai? So that is the meaning of scarce. Okay, so अब जो डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें रेनफॉल भी बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, और टेम्परेचर जो होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो वो बहुत टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कि किस डेजर्ट में किस तरह का टेम्परेचर जनरली रहता है, तो उस बेसिस पे डेजर्ट्स को मतलब डेजर्ट कैन बी हॉट डेजर्ट और इट कैन बी अ कोल्ड डेजर्ट, राइट? ओके सो जैसे अब हम सबसे पहले एक हॉट डेजर्ट की बात करेंगे, सहारा डेजर्ट. तो सहारा डेजर्ट तो सबको पता है, राइट? सबने नाम सुन के रखा है. सो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस प्लेस सहारा डेजर्ट जो है, पहले ये मतलब ओके सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इट इज राइट नाउ एंड देन वी विल टॉक कि व्हाट इट वाज प्रीवियसली, राइट? तो पहले क्या, अभी क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसमें बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस हैं जिनमें सिर्फ सैंड भरी हुई है, ठीक है? और इसमें ग्रेवल प्लेन्स हैं, ग्रेवल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, उनके प्लेन्स हैं, कुछ प्लेटोज हैं, मतलब फ्लैट लैंड है, और छोटी छोटी जैसे
यू कैन से थोड़े थोड़े हाई लैंड्स हैं, ठीक है, हाई एरियाज है फ्लैट लैंड में. सो दोज आर द एलिवेटेड प्लेटूज और बेयर रॉकी सर्फेस है. मतलब इट इज़ बेसिकली कि पत्थर हैं, मिट्टी है, छोटे रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें हैं. एंड द रॉकी सर्फेसिस मे बी मोर देन, मतलब जो रॉकी सर्फेसिस हैं वो 2500 मीटर से भी हाई हैं कई जगह पर. तो पहले क्या होता था कि मतलब जो पेंटिंग्स हैं, जो सहारा डेजर्ट की पहले की पेंटिंग्स हैं, वो बताती हैं कि एक टाइम पर ऐसा था कि जो सहारा डेजर्ट था वो एक लश ग्रीन प्लेन था. मतलब इट वाज अ प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस कि प्लेन्स थे, सहारा डेजर्ट प्लेन्स था. लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ सैंड है या सिर्फ मिट्टी है या ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर ही हैं या बड़ी रॉक्स हैं, ऐसा नहीं था. एक टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हुआ करते थे, बहुत सारी ग्रीनरी हुआ करती थी और वहाँ पर रिवर हुआ करती थी जिनमें क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे. सो वी गॉट टू नो दिस फ्रॉम द केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट. तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है. क्लाइमेट जो था अब पहले से बहुत चेंज हो गया, इसलिए ये प्लेस सहारा डेजर्ट जो है वो बहुत गर्म जगह हो गई और बहुत ड्राई रीजन हो गया, जहाँ पर पानी नहीं है. पानी नहीं है तो ऑब्वियसली लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे और वैसे ही बहुत कम आपको वहाँ पर वेजिटेशन मिलेगी. ओके ओके नैतिक, आई गॉट योर मैसेज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके सो हेलो मुस्कान, हेलो नैतिक, हेलो पवन, एकता इजिया, हेलो एकता, हेलो मन्नत, हेलो अंजुला. यस आई हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एरिड. एरिड रीजन वो होते हैं अंजुला, द एरिड रीजन्स. एरिड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत कम हो, जिसकी वजह से वो जगह लिविंग के लिए, मतलब प्लांट वेजिटेशन को सपोर्ट ना करे और ना ही मतलब पॉपुलेशन बहुत कम हो उस जगह पे, और वैसे ही बहुत कम एनिमल्स हो वहाँ पर, ठीक है. तो बेसिकली एरिड रीजन्स आर द रीजन्स विच हैव वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी होता है इन जगहों पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी कम होती है, इसलिए वहाँ पर पानी भी कम होता है. सो दोज आर द एरिड रीजन. सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. हेलो योगिता, योगिता इज श्रुति. ओके श्रुति, गुड इवनिंग प्रमोद सर. ओके हेलो सचिन, आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट. ओके नाउ इज नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट इन सहारा. तो हमने ये पढ़ा कि पहले तो लश ग्रीन होता था, बहुत सारी ग्रीनरी होती थी सहारा डेजर्ट में, और वहाँ पर रिवर्स होती थी जिनमें क्रोकोडाइल्स रहते थे. ये हमें पेंटिंग से पता चला है कि सहारा डेजर्ट यूज टू बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो अगर आप ये मैप देखें ना, तो मैप में अगर आप देखें तो सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका में है. दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है. तो सहारा का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब स्क्रॉचिंग हॉट, मतलब एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ड्राई है, बहुत हॉट है और बहुत ड्राई है, ठीक है. सो द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ स्क्रॉचिंग हॉट एंड इट इज़ पार्च ड्राई. देन इट हैज़ वेरी शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत लाइक बहुत कम बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर बारिश होती है, और जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, और जो नाइट्स हैं वो बहुत ठंडी होती है, मतलब दे आर फ्रीजिंग कोल्ड, और जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्रीज तक भी पहुँच जाता है. सो दिस इज़ लाइक द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ये. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लोरा एंड फौना. सो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट प्लांट स्पीशीज, सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज फ्लोरा, एंड इफ वी टॉक अबाउट एनिमल स्पीशीज वी कैन ऑल्सो से इट फौना, ठीक है. तो फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सहारा डेजर्ट. तो इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लोरा तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट्स और कैसी वेजिटेशन है. तो सहारा डेजर्ट में कुछ
कुछ वेजिटेशन होती है, जैसे वहां पर कैक्टस होता है, ठीक है, कैक्टस का प्लांट होता है, डेट पाम्स और एकेशिया करके एक ट्री होता है, तो वो वहां पर हमें वेजिटेशन में हमें वो दिखाई देता है। और कुछ प्लेसेस जो हैं दे आर ओएसिस। ओएसिस मींस कि एक जैसे एक छोटा सा एरिया जो फर्टाइल एरिया होता है, उसमें थोड़ी सी ग्रीनरी होती है, कुछ कुछ ट्रीज होते हैं, सो दैट इज ओएसिस, राइट। तो सहारा डेजर्ट में कुछ ओएसिस हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि ग्रीन आइलैंड्स हैं जिनमें डेट पाम्स हैं, विच आर सराउंडेड बाय बेसिकली डेट पाम्स। और टॉकिंग अबाउट फौना, फौना मीन्स एनिमल्स, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फौना, सो वहाँ पर कैमल्स, हाइना, जैकल, फॉक्सेस और स्कॉर्पियंस, कुछ स्नेक्स, लिजर्ड जो होते हैं, ऐसे ये सारे एनिमल्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं। तो हम देख अगर हम ढंग से इसको देखें तो ना बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर हैं, राइट, ना ही बहुत तरह के प्लांट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी ही बहुत कम है और टेम्परेचर्स भी इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो दैट जब वहाँ पर रिसर्च हुई थी, ठीक है, जब साइंटिस्ट ने वहाँ पर कुछ रिसर्च की थी, तो उस जगह से फिशेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम पहले वहाँ पर ज़रूर पानी होगा जहाँ पर फिशेस रहती होंगी, राइट। बट नाउ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, सो एवरीथिंग हैज चेंज नाउ, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीपल, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ लेती हूँ कॉमेंट्स। ओके रश्मि, ओके रश्मि, हेलो हेलो ममता, आई डिंट गेट यू ममता कौशिक, मीरा, मिराग इज योर नेम, ओके नाइस नेम। ओएसिस, सो मेहर ओएसिस इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ ओएसिस इज बेसिकली एन एरिया विच इज अ फर्टाइल एरिया, ठीक है। तो जैसे सहारा डेजर्ट में कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ कुछ ऐसी रीजन्स हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पर डेट पाम्स हैं, मतलब ट्रीज हैं, आई एम जस्ट नॉट आई मीन डेट पाम को भूल जाओ, मतलब कुछ थोड़े थोड़े ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्चुअली ग्रीनरी है, जहाँ पर प्लांट्स दिखाई देते हैं या फिर जहाँ पर ट्रीज हमें दिखाई देते हैं। सो दैट सो ओएसिस इज अ वर्ड गिवन टू दैट फर्टाइल लैंड जहाँ पर वेजिटेशन है, ठीक है। ओके ऑल राइट, ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट पीपल, सो कैसे लोग मतलब उस जगह पर रहते हैं, कैसे किस तरह के लोग जो हैं वो सहारा डेजर्ट में रहते हैं। सो पहली बात है कि वहाँ पर कुछ नोमैडिक ट्राइब्स रहती है, नोमैडिक लोग वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, दे रोम अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, फर्स्ट इज बेडविंस एंड सेकेंड इज टॉरेंट्स। सो ये दो तरह की नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो सहारा डेजर्ट में रहती हैं, और वहाँ पर वो अपनी लाइफ स्टॉक के साथ रहती हैं, जो भी उनके जानवर हैं, गोट, कैमल, शीप, हॉर्सेस, इन सब के साथ रहती हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं वो उनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे मिल्क देते हैं, खाने की चीज़ें देते हैं, और वो बहुत हैवी हैवी रोब्स पहनते हैं ताकि जब वो डस्ट स्टॉर्म चलते हैं या बहुत गर्म हवाएं चलती हैं ना, तो वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी मतलब मोटे से कपड़े पहनते हैं ताकि वो जस्ट उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके उन हॉट विंड्स से। देन ओएसिस इन सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो ओएसिस अभी हमने बात की, ओएसिस कुछ एक फर्टाइल लैंड होती है जहाँ पर वेजिटेशन होती है, तो कुछ प्लेसेस हैं मतलब सहारा डेजर्ट में ओएसिस हैं, और कुछ इजिप्ट में भी कुछ नाइल वैली है जहाँ पर वेजिटेशन है, इसलिए वहाँ पर लोग भी रहते हैं, कुछ सेटल्ड पॉपुलेशन है कि जो वहीं पर रहती है, ठीक है, जो कहीं मतलब दे आर नॉट नोमैडिक कि जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, बट दे एक्चुअली लिव देयर, वो वहीं पर रहते हैं।
ओके सो एज वाटर इज अवेलेबल प्लांट्स पीपल ग्रो डेट पाम्स देन क्रॉप्स सच एज राइस व्हीट एंड बार्ले. ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ जगह है जो फर्टाइल है तो वहां पर पानी भी होगा, तो पानी के होने की वजह से लोग वहां पर डेट पाम्स उगाते हैं और कुछ क्रॉप्स उगा लेते हैं जैसे राइस व्हीट बार्ले. और इजिप्टियन कॉटन इज द फेमस आई मीन फेमस वर्ल्ड वाइड इन इज ग्रोन इन इजिप्ट. ठीक है, तो इजिप्ट में भी कुछ प्लेसेस हैं मतलब विच आर एक्चुअली डेजर्ट. तो यहाँ पर इजिप्टियन कॉटन उगाई जाती है विच इज वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके सो द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग सहारा डेजर्ट. सो वहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी जो है वो एक्चुअली सहारा डेजर्ट को बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है डे बाई डे. और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मिले हैं जैसे कि आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस एंड यूरेनियम. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो सहारा डेजर्ट में ही मिले हैं. एंड द डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स ब्लो अवे द सैंड. ठीक है, अब कई बार होता है कि जैसे अब पूरा का पूरा क्या है, सैंड ही है, लेकिन कई बार सैंड में भी डिप्रेशंस आ जाते हैं क्योंकि बहुत जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो कई बार एक जगह से वो जो हवा है वो एक जगह से बहुत सारी सैंड उठा के दूसरी जगह पे ले जाती है, इसलिए डिप्रेशंस बन जाते हैं सैंड में. एंड इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सर्फेस एंड ओएसिस इज फॉर्म. सो अब देखो बहुत तेज हवा चली तो कुछ जो सैंड है वो उड़ गई और वहां पर डिप्रेशन बन गया. अब जैसे वो डिप्रेशन बना तो वो जो एरिया है ना वो अंडरग्राउंड वाटर के पास में आता है, तो वहां पर क्या होता है कि अब अगर वहां पर प्लांट्स ग्रो होंगे तो वो रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से सॉइल के अंदर चली जाएंगी, डीप चली जाएंगी और पानी अंडरग्राउंड वाटर मतलब उनको मिलेगा, तो वो प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे. तो ऐसे इसलिए कुछ जगहें जो है सहारा डेजर्ट में वो फर्टाइल है. दैट इज दिस इज हाउ द ओएसिस आर फॉर्म्ड when sand is blown away with winds, so depressions are formed and underground water reaches to the surface. ठीक है, जो underground water है वो almost surface पे आने लगता है, तो ये जगहें जो है ये fertile बन जाती हैं और इनको हम बोलते हैं oases, right? Okay. So okay. So change in cultural landscape. तो gleaming glass cased office building towers over mosques and super highways crisscross the ancient camel pathways. ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे changes हो रहे हैं. ठीक है, जैसे मतलब जैसे super highways बन गए हैं, अब जहाँ पर पहले camels चला करती थी वहाँ पर highways बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी buildings बन गई हैं, glass buildings बन गई हैं. कैमल की जगह जो पूरा ट्रेड है वो ट्रक्स के थ्रू होता है, कैमल्स को अब उतना यूज़ नहीं किया जाता है. और टॉरेक्स जो कि एक नोमैडिक ट्राइब है, हमने पढ़ा ना कि सहारा में दो तरह की नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, तो वन ऑफ देम इज़ टॉरेक्स और दे आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स. ठीक है, तो वो एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस. तो दिस ट्राइब द टॉरेक ट्राइब इज़ एक्चुअली becoming a guide of that place and they are guiding tourists so like where to go or kiski kya history hai wo sab batane mein they are acting as a guide. theek hai, so this is the change in the cultural landscape of Sahara desert. so now so we spoke about a hot desert, that is Sahara desert, and now we will talk about a cold desert and that is Ladakh, and Ladakh is in India. okay. ओके एक मिनट मैं पढ़ लेती हूँ. मैम कैन आई अटेंड क्विज, आई एम इन क्लास इट. यस यस श्रुति ऑब्वियसली यू कैन. ओके यू कैन गिव इट अ चांस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. नो सचिन, नाउ द विनर विल नॉट गेट अ पेन ड्राइव. So but after we will get a sufficient number of email IDs, so we will do a hangout call with Roshni ma'am, or you can talk to Roshni ma'am directly. You can share your suggestions, feedbacks, or I mean you can speak to her directly. Okay menti quiz official giver, menti quiz hoga iske baad अपने रिवीजन के बाद. ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड डेजर्ट एंड दैट इज सहारा डेजर्ट. अब कोल्ड
सॉरी कोल्ड डेजर्ट विच इज लद्दाख, ठीक है. सो लद्दाख इज इन इंडिया और वो ग्रेट हिमालयन रीजन में लाया करता है और ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड पर है. तो इसके जो लद्दाख है इसके नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और जैंस्कर माउंटेन जो है वो इसके साउथ में है. एंड देयर इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज इंडस रिवर इज फ्लोइंग थ्रू इट. एंड सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख एंड वन ऑफ देम इज गैंगरी, सॉरी गैंगरी ग्लेशियर, ठीक है. तो लद्दाख जो है इट इज ऑल्सो डेजर्ट, बट ये कोल्ड डेजर्ट है. यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये भी वही प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा पानी नहीं है और बहुत सारे बहुत मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को ये सपोर्ट नहीं करता है और ना ही बहुत सारी वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है, ठीक है. तो इसके नॉर्थ में आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ टू लद्दाख इज काराकोरम रेंज एंड टू साउथ इज जैंस्कर माउंटेन्स. देन इंडस रिवर फ्लोज थ्रू दिस डेजर्ट एंड देर आर सेवरल ग्लेशियर्स इन दिस एरिया एंड वन ऑफ देम इज गैंगरी ग्लेशियर, ठीक है. अब इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा हाई है ऑल्टीट्यूड में, सी लेवल से ये बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ऑब्वियसली ये ड्राई भी है. तो एयर एट दिस ऑल्टीट्यूड इज सो थिन दैट हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. अब क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, ठीक है, हवा जो है हवा बहुत कम है वहां पर और जो मतलब जो सन की हीट है ना वो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपके ऊपर बहुत इंटेंसिटी से आपके ऊपर आके गिर रही है. तो डे टेम्परेचर्स इन द समर्स आर अबव 0 डिग्री, ठीक है. अब दिन में तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि धूप होती है, तो जब धूप होती है तो टेम्परेचर इज लाइक ओके 0 डिग्री से ऊपर होता है. लेकिन रात को यही टेम्परेचर जो है ये -30 डिग्री के भी नीचे चला जाता है. देन इट हैज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स वेन द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 40 डिग्री, -40 डिग्री फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. अब विंटर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और बहुत कम रहता है, मतलब -40 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर रहता है, ठीक है. सो दिस इज अ लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट जो बहुत ठंडा है उसके हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि सी लेवल से उसका ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडा डेजर्ट है. इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट जिसका टेम्परेचर दिन में अराउंड 0 डिग्री के ऊपर होता है लेकिन रात को वो -30 डिग्री तक पहुंच जाता है और विंटर्स में तो वो -40 डिग्रीज तक आ जाता है टेम्परेचर, राइट. ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट फौना एंड फ्लोरा. सो फ्लोरा इज वेजिटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड व्हेन आई एम सेइंग फौना वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, राइट. ओके तो ड्यू टू हाई एरिडिटी, वही क्योंकि पानी बहुत कम है, ठीक है, तो वेजिटेशन बहुत कम है उसमें. तो अगर बहुत कम आपको ऐसे ग्रीन पैचेस की कहीं पर वेजिटेशन है वो बहुत आपको कम दिखाई देंगे और एनिमल्स भी फिर आपको कम ही दिखाई देंगे, राइट. तो समर्स में क्या होता है, फ्रूट बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो वहाँ पर उगाए जाते हैं जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स. वो गर्मियों में मतलब इस एरिया में लद्दाख में ग्रो किए जाते हैं. एंड कुछ बर्ड्स जो हैं जो लद्दाख में दिखाई दिए हैं वो हैं रॉबिन्स, रेड स्टार्च, तिप्तियन स्नो कॉक्स दिखाई देते हैं और कुछ जो इनमें से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मतलब वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर आते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं. सो दोज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. सो द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ठीक है. डॉग्स की एक स्पेशल ब्रीड होती है जो वहाँ पर मिलती है, हर एक ब्रीड जो है वहाँ पर नहीं मिलती है. देन याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर. तो वहाँ पर याक एक एनिमल होता है जो अगेन मतलब इट गिव्स अस मिल्क, तो उससे चीज़ और बटर बनाया जाता है. एंड द हेयर ऑफ शीप एंड गोट आर यूज टू मेक वुलन्स, ठीक है. अब वहाँ पर क्योंकि इतनी ठंड होती है तो वहाँ पर जो वुलन क्लोथ्स हैं वो शीप या गोट के मतलब बालों से बनाए जाते हैं. देन
ओके, सो दिस वाज अबाउट फ्लोरा एंड फौना ऑफ लद्दाख. तो क्योंकि ऑब्वियसली पानी बहुत कम है तो वेजिटेशन भी कम होगी, एनिमल्स भी कम होंगे, तो कुछ तरह के प्लांट्स हैं जो गर्मियों में ग्रो किए जाते हैं, जैसे एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, वॉलनट्स हैं, और कुछ बर्ड्स वहाँ पर देखे गए हैं, और जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. ठीक है, देन याक का मिल्क वो लोग यूज़ करते हैं टू मेक चीज़ एंड बटर, और जो शीप और गोट का हेयर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है वुलन क्लोथ्स बनाने में. ओके, देन पीपल वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम्स हैं या तो बुद्धिस्ट्स हैं, और बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी हैं लद्दाख में. और मतलब जो लद्दाखी लैंडस्केप है विद द ट्रेडिशनल गोम्पास. ठीक है, सो दिस इज गोम्पास इज बेसिकली रिलेटेड टू बुद्धिस्ट कल्चर. सो सम फेमस मॉनेस्ट्रीज आर हेमीज, तिक्षीज, शेज एंड लामायुरूज. ओके, सो यू प्रोनाउंस द वे यू वॉन्ट. ओके, सो इन समर सीजन पीपल कल्टिवेट बार्ले, पोटेटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप. तो समर सीजन में कुछ कुछ चीज़ें लोग मतलब कुछ कुछ क्रॉप्स क्रॉप्स कुछ प्लांट्स वहाँ पर उगाए जाते हैं, बार्ले, पोटैटोज, पीज, टर्निप और बीन्स वहाँ पर उगाए जाते हैं. और विंटर बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर विंटर्स में. तो लोग जो हैं वो अपने आप को ज़्यादातर कुछ फेस्टिवल्स में या फिर कुछ सेरेमनीज में अपने आप को एंगेज रखते हैं. ले जो है वो लद्दाख की कैपिटल है, विच इज़ कनेक्टेड टू रोड, मतलब वो रोड बाय रोड भी कनेक्टेड है और बाय एयर भी वो कनेक्टेड है. देन द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास. ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1A है वहाँ पर जो ले और कश्मीर को कनेक्ट करता है, एंड दैट पास इज कॉल्ड जोजिला पास. ओके, सो देन टूरिज्म. सो टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, सो ये एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, मतलब टूरिस्ट आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लद्दाख. और यहाँ पर इंडिया के भी टूरिस्ट आते हैं और अब्रॉड के भी टूरिस्ट आते हैं, एंड पीपल विजिट दीज गोम्पास, और ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं. फिर ड्यू टू स्कार्स, मतलब अब क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, लोग कम हैं, फ्यूल कम है, तो जो लद्दाख में जो लोग रहते हैं, सो द पीपल ऑफ लद्दाख हैव यूज द रिसोर्सेज विद केयर. ठीक है, तो कोई भी चीज़ वहाँ पर ना तो मतलब वेस्ट की जाती है ना ही ऐसे ही फेंकी जाती है. ठीक है, तो क्योंकि उनको दे नो द वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज, देर इज वेरी लेस वाटर, देर इज वेरी लेस फ्यूल, सो पीपल यूज द रिसोर्सेज वेरी वेरी केयरफुली, राइट? ओके, तो देर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, लाइक मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस. सो अगर आप मनाली से ले की तरफ जा रहे हैं तो यू एक्चुअली क्रॉस 4 पासेस. सो वन इज रोहतांग पास, सुल्ला इज एक्चुअली पास, सो बारालाचा पास, देन लोंगलाचा पास. ओके, दिस इज अ सॉन्ग ऑल्सो. देन टैंगलैंग पास. सो द हाईवे ओपन्स बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर. ठीक है, तो जुलाई और सेप्टेम्बर के बीच में जनरली ये जो रोड है ना ये ओपन होता है, ये हाईवे ओपन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि स्नोफॉल होती है उससे पहले भी और बाद में भी. तो बाकी टाइम पे क्योंकि स्नोफॉल रहती है तो मोस्टली जुलाई से सितंबर तक ये जो रोड है इसको खुला रखा जाता है, स्नो को क्लीन किया जाता है ताकि रोड जो है वो खुला रहे, हाईवे खुला रहता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर टुडेज टुडेज टॉपिक. सो इट इज़ लाइफ इन डेजर्ट. सो वी टॉक्ड अबाउट हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट दैट इज लद्दाख. सो हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका एंड द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख इज इन इंडिया. तो अब क्योंकि ये डेजर्ट है, ये दोनों एरिड रीजन्स हैं जहाँ पर पानी बहुत कम है. अब क्योंकि पानी कम है तो प्लांट्स भी कम है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, और वहाँ पर एनिमल्स भी कम है. ठीक है, सो फ्लोरा एंड फोना फौना बोथ आर वेरी लेस, एंड सेम वे ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस. ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा एनिमल मिलता है, ओएसिस क्या है. ठीक है, सो ओएसिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ डेजर्ट.
तो ये तो हमने पढ़ा था एरिड रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ थर्ड लाइन, ठीक है, देन एक्सप्लेन द पीपल लाइफ ऑफ पीपल इन सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट में लोग कैसे रहते हैं आपको वो बताना है, देन विच एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट, कौन से एरियाज को हम डेजर्ट बोलते हैं, तो इस पूरी स्लाइड के बाद इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि किन प्लेसेस को हम डेजर्ट्स बोलते हैं, देन डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कि टेम्परेचर 50 के ऊपर चला जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, देन वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन इंडिया, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, राइट, इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड, तो ये तो अभी बताया मैंने आपको, देन ओके यू हैव टू गिव रीजन, देयर इज अ स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट, तो स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, तो क्यों डेजर्ट्स में बहुत कम वेजिटेशन होती है, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे रिलेटेड है वाटर अवेलेबिलिटी से, देन पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब्स, क्यों पहनते हैं वो, टू प्रोटेक्ट देयर स्किन, ठीक है, किससे, हॉट जो तेज गर्म हवाएं चलती हैं उनसे, ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन सबको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दिस विल एक्चुअली कंप्लीट योर चैप्टर, ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेयर इवन आफ्टर दिस लाइव एंड, सो दिस वीडियो विल बी हेयर, सो अगर आपके एक महीने बाद भी एग्जाम है, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन कम बैक एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस वीडियो कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन जो है वो एक सिंगल वीडियो से हो जाएगा, ठीक है, सो नाउ इज द टाइम फॉर द मेंटी क्विज, सो एवरीबॉडी गो टू www.menti.com एंड पुट द कोड 1016112, ओके, सो लेट मी चेक द कमेंट्स, ओके, स्टार्क क्या एक्सप्लेन करना है, ओके, सारिका ईमेल मिला क्या, आई गेस नहीं मिला, सो डिड यू सेंड इट टू दीपिका एट learnohub.com, सो इट इज DEEPIKA@learnohub.com, ठीक है, सो मन्नत गॉट द ईमेल आईडी DEEPIKA@learnohub.com, ओके, काश्वी चेंजेस अराउंड अस, ओके, क्लास सिक्स का, सो आई हैव टू चेक दिस, वैसे शायद ये हुआ नहीं है अभी तक ना, तो नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वी विल ऐड दिस टू आर प्लान, ओके, वेरी सून वी विल ऐड दिस, राइट, ओके, लास्ट मेंटी विनर ऑफ क्लास एट, ओके ओके ओके, तो सारिका आई विल चेक इट अगेन, ओके, रिशिता, राइट, रिशिता, तो आई विल चेक इट अगेन, अगर आ गया होगा सो आई विल रिप्लाई बैक, सो यू विल गेट टू नो कि आया है या नहीं, ठीक है, ओके, सो नाउ इज द टाइम फॉर द मेंटी क्विज, सो एवरीबॉडी गो टू menti.com एंड पुट द कोड 1016112, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेंटी क्विज, सो द क्वेश्चन नंबर वन इज हियर, ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, सो लद्दाख इज अ डैश लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, मन्नत माय ईमेल आईडी इज दीपिका DEEPIKA@learnohub.com, श्रद्धा मैम सी माय कमेंट, वेयर इज योर कमेंट, आई डिडंट गेट यू, फिर से लिख दो क्या पूछ रहे हो, ओके, सो यस इट इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय, सो वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट सी द लीडर बोर्ड नाउ, तो अगर हम लीडर बोर्ड में देखें, वेरी गुड, तो क्योंकि सब बच्चे सही थे, तो सचिन वॉज द फास्टेस्ट, सो वेरी वेल डन सचिन, देन इज दानिया, मन्नत, न्यू ईयर, सो न्यू ईयर वी वुड लाइक टू नो योर नेम, सो गो बैक एंड एडिट योर नेम, राइट, देन इज अविकास किड्स, थिंकी सुहाना एंड एकता, सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर टू, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर टू, सो आईज ऑन योर मेंटी स्क्रीन्स एंड रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ओके ओके, सो द क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट क्रॉस्ड बाय मनाली ले हाईवे, तो हमने पढ़ा था ना कि देर आर फोर पासेस, ठीक है, तो कौन सा ऐसा पास है जो मनाली ले में नहीं आता है,
फोर को हम क्रॉस करते हैं, बट इनमें से कौन सा है जो उनमें से नहीं है, जल्दी से बताओ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड यस, सो इट इज जोजिला पास। जोजिला पास नहीं था, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी आर लीडर बोर्ड। तो अगर अब हम अपना लीडर बोर्ड देखें तो बहुत ही कम बच्चों का सही था, सचिन, मन्नत एंड न्यू ईयर, तो आप ही का ठीक था। ओके, सो सचिन वॉज द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन एंड ही इज ऑन द टॉप अगेन। देन न्यू ईयर इज ऑन द सेकेंड एंड देन मन्नत। सो डोंट वरी, जिनका भी आंसर गलत हुआ है, सो डोंट वरी, वी हैव थ्री मोर क्वेश्चन टू गो। सो द क्वेश्चन नंबर थ्री इज ईयर। ओके, सो ताफिलात ओएसिस इन डैश इज अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये कहाँ पर है, आपको वो बताना है। ओके, जल्दी से जल्दी से। सो एवरीबडी वोटेड बिफोर टाइम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मोरोको। सो वेरी गुड, इट इज मोरोको। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट, आई मीन कौन कौन सही था। सो सचिन, न्यू ईयर, अविका एंड हया फातिमा वर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो वेरी वेल डन, हया फातिमा वॉज द फास्टेस्ट एंड सचिन इज ऑन द टॉप, सो वेरी वेल डन। सो लेट्स सी वॉट इज द क्वेश्चन नंबर फोर। सो द क्वेश्चन नंबर फोर इज हियर। Okay. Where is Sahara Desert located? This is the simplest question that I can ask in this chapter. So where is Sahara Desert located? कहाँ पर है, इन options में देखो। Okay. So 9 seconds में सब बच्चों ने कर दिया। So it is in North Africa. Right. Sahara Desert India में नहीं है, अभी तो हमने उसका map check किया था। Okay. सो अविका, मेहर, सहाना एंड बियॉन्से वर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, सो वेरी वेल डन। एंड अविका वॉज द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन, वेरी गुड अविका। एंड सचिन इज ऑन द टॉप, वेरी वेल डन सचिन। सो ओके, सो नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी, हाउ मेनी कंट्रीज आर टच्ड बाय सहारा डेजर्ट, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी कंट्रीज आर टच्ड बाय सहारा डेजर्ट। वेरी गुड, एवरीबडी वोटेड बिफोर टाइम। ओके, सो देयर आर 11 कंट्रीज विच आर टच्ड बाय सहारा डेजर्ट, सो वेरी वेल डन मिस क्लिक, डोंट वरी। ओके, सो नाउ इज द टाइम टू डिक्लेयर द विनर ऑफ द क्विज। तो लेट्स सी, ओके, सो न्यू हियर, अविका एंड मेहर, सो द वन न्यू ईयर, तो ये आपका नाम तो नहीं होगा। सो वेरी गुड अविका, यू वर द फास्टेस्ट इन दिस क्वेश्चन, वेरी वेल डन। सो द वन न्यू ईयर, सो एक्चुअली द प्राइज इज वेन यू वेन द क्विज यू सेंड अस योर डिटेल्स अलॉन्ग विद योर आईडी, बट सिंस यू डिड नॉट राइट योर लाइक द करेक्ट नेम, सो वी कैन नॉट गिव यू द प्राइज। ओके, तो अदरवाइज यू हैव टू सेंड, मतलब जो क्विज में आप जीते हो, अपने फुल नेम के साथ, अपनी ईमेल आईडी के साथ और अपना आधार कार्ड जो है वो एज अ मतलब आईडी प्रूफ आप हमें भेजते हो, एंड यू सेंड इट टू deepika@learnohub.com, दैट इज deepika@learnohub.com, राइट। और जो विनर होता है उसको हम मतलब उनके साथ हम एक हैंग आउट कॉल करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उनके फीडबैक्स भी लेंगे और उनके सजेशंस भी लेंगे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज क्विज और टूडेज क्विज एंड टूडेज रिविजन रेस। सो आई होप यू रिवाइज योर चैप्टर वेल और जहाँ पर भी डाउट्स हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। एंड जस्ट लाइक जस्ट रीड दिस चैप्टर अगेन फ्रॉम योर बुक, तो एक बार और बस चैप्टर की रीडिंग कर लो तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं, अगर थोड़े बहुत और भी होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपका चैप्टर जो है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो ओके, सो विद दिस आई विल से बाय बाय एंड आई विल मीट यू अगेन ऑन मंडे विद सम न्यू टॉपिक्स, राइट। सो टेक केयर एंड बाय बाय एवरीबॉडी।